डियर स्टूडेंट एंड लॉजिक चैनल में सी प्रोग्रामिंग सीखने के इस वीडियो लेक्चर में आज हम लेसन 11 फाइल हैंडलिंग के लेक्चर 4 में फाइल को रीड करना सीखेंगे जिसमें हम फाइल को रीड करने वाले प्री डिफाइंड फंक्शन को समझेंगे वीडियो को शेयर करें अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रोग्रामिंग के बेस्ट वीडियो लेक्चर के नोटिफिकेशन के लिए बेलाइक को प्रेस करें अगर आपने अब तक लेसन वन इंट्रोडक्शन टू सी लेसन टू बेसिक्स ऑफ सी लेसन थ्री अर्थमैटिक इंस्ट्रक्शन लेसन फोर सेलेक्शन स्टेटमेंट्स लेसन फाइव इटरेटिव स्टेटमेंट्स लेसन सिक्स एरेज लेसन सेवन स्ट्रिंग्स लेसन एट फंक्शंस लेसन नाइन पॉइंटर्स लेसन टेन यूजर डिफाइंड और लेसन इलेवन हैंडलिंग के लेक्चर वन इंट्रोडक्शन टू फाइल लेक्चर टू फाइल ऑपरेशन लेक्चर थ्री राइटिंग अ फाइल वीडियो लेक्चर को नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में, में शेयर कर रहा या फिर आप हमारे चैनल के प्लेरिस्ट जाकर वीडियो लेक्चर लेक्चर को देख सकते हैं रीडिंग अ फाइल आज के वीडियो लेक्चर का ऑब्जेक्टिव एंड कंटेंट आज की वीडियो में हम टेक्स्ट फाइल को रीड करना सीखेंगे टेक्स्ट फाइल को रीड करने वाले प्रीडिफाइन फंक्शन को समझेंगे एग्जाम्पल और प्रैक्टिकल भी होगा और वीडियो लेक्चर के अंत में आपके लिए क्वेश्चन भी होगा और उस क्वेश्चन का सही जवाब देकर

एफ गेट सी फंक्शन फाइल से सिंगल कैरेक्टर को रिटर्न करता है मतलब वो फाइल से सिंगल कैरेक्टर को पढ़ता है और उसे रिटर्न करता है हम कह सकते हैं एफ स्ट्रीम फंक्शन सिंगल कैरेक्टर को स्ट्रीम से इनपुट करता है एफ गेट सी फंक्शन को कॉल करने का कुछ इस तरह से होता है यहाँ पर हमने कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर किया नाउ अगर हम असाइनमेंट ऑपरेटर को यूज करें और एफ गेट सी फंक्शन को कॉल करें और विद इन पैरेंथेस अगर हम फाइल पॉइंटर को पास करें तो ये एफ गेट सी फंक्शन सिंगल कैरेक्टर को रीड करेगा

और फाइल पॉइंटर एस्ट्रिक एफ पी Now, हम यहाँ पर एक फ़ाइल को ओपन करेंगे एक्चुअली यहाँ पे हमने जो लास्ट वीडियो में फ़ाइल बनाया था जो यहाँ पर सेव है मैं आपको दिखा देता हूँ जे पी सी डी ड्राइव और हम अपने सारे प्रोग्राम को कॉन्सेप्ट एंड लॉजिक फोल्डर में स्टोर कर रहे हैं और फाइल ऑपरेशन के लिए हमने जो फोल्डर बनाया था वो फाइल नाम का है और इसमें देखिए हमने लास्ट जो फाइल क्रिएट किया था माई फाइल सिक्स नाम से और हम इस फाइल को रीड करना चाहते हैं नाउ यहाँ पर मैं सबसे पहले फाइल पॉइंटर को ओपन कर लिया हूँ और यहाँ पर हम फाइल को ओपन करने जा रहे हैं फाइल को ओपन करने के लिए हम एफ ओपन फंक्शन को यूज़ करेंगे नाउ विद इन परंथिस हमें जिस फाइल को ओपन करना है उसे डबल कोटेशन में लिखना है और फाइल का नाम माई फाइल सिक्स है मैं यहाँ पर लिखता हूँ माई फाइल सिक्स डॉट टी एक्स टी एक्चुअली फाइल टी एक्स टी टेक्स्ट फाइल है नाउ कॉमा देकर हमें फाइल को रीड करना है तो हम उसे मोड में ओपन करेंगे इसके लिए हम डबल कोटेशन में आर को एज ए आर्गूमेंट पास करेंगे आर फॉर रीड मोड जैसा कि हमने लास्ट के वीडियो में समझा था नाउ सेमी कोलोन फाइल जो ओपन होगा उसके एड्रेस को हम एफ पी पॉइंटर में स्टोर कर लेंगे नाउ अगर फाइल नहीं हो और उस फाइल को हम ओपन कर रहे हैं तो एरर आएगा तो हम यहाँ पर एक इफ़ कंडीशन में एफ पी अगर नल होता है तो हम यहाँ पर एक मैसेज डिस्प्ले कर देते हैं पी एरर के साथ और यहां पर हम लिख देते हैं उप्स फाइल नॉट फाउंड नाउ मैं यहां पर गेट सी एच को कॉल कर देता हूं नाउ फाइल को रीड करने के लिए सबसे पहले हम यहां पर एफ गेट सी फंक्शन को यूज करेंगे जिससे हम सिंगल कैरेक्टर को रीड कर सकते हैं मैं यहां पर लिख रहा हूं एफ गेट सी और विद इन परंथिस मैं यहाँ पर फाइल पॉइंटर को पास करूंगा एफ पी जो फाइल हमें रीड करना है उसे मैं एक करेक्टर वेरिएबल में स्टोर कर देता हूँ इसके लिए मैं एक करेक्टर वेरिएबल डिक्लेयर कर देता हूँ मैं इसको पहले इसे मैक्सिमाइज कर देता हूँ न मैंने यहाँ पर कैरेक्टर वेरिएबल सी एच डिक्लेयर किया और उस कैरेक्टर वेरिएबल में मैं जो फाइल से कैरेक्टर रीड करेगा एफ गेट सी उसे स्टोर कर देता हूँ और अब हमें सी एच में जो कैरेक्टर स्टोर है उसे प्रिंट करना है आउटपुट स्क्रीन में इसके लिए मैं प्रिंट एफ फंक्शन को यूज कर लेता हूँ कैरेक्टर परसेंट सी टाइप का होगा इसलिए हम डबल कोटेशन में परसेंट सी यूज कर देते हैं और नौ कॉमा के बाद सी एच वेरिएबल नौ सेमी कोर तो जो कैरेक्टर पहला कैरेक्टर रीड होगा फाइल पॉइंटर जिस फाइल को पॉइंट कर रहा है उसका कैरेक्टर सी एच में स्टोर होगा और उसे हम आउटपुट स्क्रीन में प्रिंट कर रहे हैं चलिए इसे हम बिल्ट और रन करके देखते हैं देखिए जो पहला कैरेक्टर फाइल में था एक्चुअली फाइल में पहला कैरेक्टर कॉन्सेप्ट का सी था तो हमें यहाँ पर क्या दिख रहा है सी हमने एक ही कैरेक्टर को रीड किया है क्योंकि एफ गेट सी फंक्शन से हम एक कैरेक्टर रीड कर सकते हैं लेकिन हमें मल्टीपल कैरेक्टर को रीड करना है तो इसके लिए एक हमें लूप चलाना होगा मैं यहाँ पर वाइल लूप चलाता हूँ नौ यहाँ पर मैं वाइल लूप यूज कर रहा हूँ वाइल और विद इन पैर हमें फाइल के एंड तक फाइल को रीड करना है इसके लिए हम जब तक सी एच नॉट इक्वल टू ई ओ एफ एंड ऑफ फाइल नहीं हो जाता है तब तक हम फाइल को रीड करेंगे नाउ मैं यहाँ पर वाइट लूप के बॉडी को स्टार्ट कर देता हूँ करली ब्रेसेस ओपन देन आफ्टर यहाँ पर मैं कर्डी ब्रेसेस को क्लोज कर देता हूँ नाउ इस तरह से हम एक एक कैरेक्टर फाइल का रीड होगा जब तक कि एंड ऑफ फाइल नहीं हो जाता है और हम सारे कैरेक्टर को यहाँ पर प्रिंट करेंगे चलिए मैं इसे बिल्टो रन करके दिखाता हूँ देखिए हमने सारे कैरेक्टर को

जो किसी लैंग्वेज के एस टी डेटा को फाइल से रीड करने में होता है और उस डेटा को पैरामीटर स्टोर करता है एफ स्कैन एफ फंक्शन विद इन पैर फाइल पॉइंटर नौ कॉमसेशन के बाद विद इन डबल कोटेशन फॉर्मेटेड स्ट्रिंग नो कॉमस के बाद एड्रेस ऑफ वेरिएबल्स नौ सेमिकोलोन अगर हम इसे एग्जाम्पल एक एक से समझे तो हमने यहाँ पर एक स्ट्रिंग टाइप का नेम वेरिएबल डिक्लेयर किया डेटा टाइप का स्ट्रिंग वेरिएबल का नाम नेम और स्क्वायर बैकेट के अंदर हमने, रखा 20. हमने एक टाइप का, का नाम आर एनओ नंबर के लिए हमने एफ विद इन पर फाइल पॉइंटर है इन डबल कोटेशन परसेंटेज डी यहाँ पर परसेंटेज नेम के लिए है और डी रॉल नंबर के लिए है तो ये एफ स्कैन एफ फंक्शन फाइल से नेम को रीड करेगा और स्ट्रिंग वेरिएबल में स्टोर करेगा और रोल नंबर को रीड करेगा और आर एनओ वेरियबल में स्टोर करेगा एफ स्कैन फंक्शन डेटा को फाइल से रीड करता है और जब वो एंड ऑफ फाइल पे पहुंच जाता है तो ई एफ को रिटर्न करता है चलिए अब हम एक प्रोग्राम में एग्जाम्पल से एफ स्कैन फंक्शन को इम्प्लीमेंट करके देखते हैं अब हम यहाँ पर एफ स्कैन फंक्शन से फाइल को रीड करने जा रहे हैं लेकिन एफ स्कैन फंक्शन फॉर्मेटेड डेटा को रीड करता है सबसे पहले मैं यहाँ पर माई फाइल सिक्स जो फाइल है उसमें मैं कुछ फॉर्मेटेड डेटा को स्टोर कर देता हूँ मैं यहाँ पर रोल नंबर लिख देता हूँ टू ट्वेंटी वन और नेम लिख देता हूँ हरी नाउ इस फाइल को मैं सेव कर देता हूँ कंट्रोल एस अब इस फाइल में फॉर्मेटेड डेटा है जो कि इंटीजर टाइप का टू ट्वेंटी वन है और नेम स्ट्रिंग टाइप का है नाउ हमें इसे फाइल से रीड करना है फॉर्मेटेड डेटा को हमें फाइल से रीड करना है और उसके लिए हम एफ एस के फंक्शन को देखने जा रहे हैं मैं इस वाइल्ड लुक को सबसे पहले रिमूव कर देता हूँ और हमें फॉर्मेटेड डेटा रोल नंबर जो कि इंटीजर टाइप का है उसे रीड करना है तो मैं यहाँ पर एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल इंट आर एन ओ डिक्लेयर कर देता हूँ जिसमें हम रोल नंबर को स्टोर करेंगे और नेम जो कि एक कैरेक्टर एरे होगा स्ट्रिंग नौ मैं यहाँ पर नेम नाम का एक कैरेक्टर एरे स्ट्रिंग डिक्लेयर कर देता हूँ उसका साइज मैंने ट्वेंटी रख दिया नाउ सेमिकॉलन और अब हमें रोल नंबर में और नेम में फॉर्मेटेड डेटा को एफ स्कैन एफ फंक्शन से रीड करना है नौ मैं यहाँ पर एफ स्कैन एफ फंक्शन यूज कर रहा हूँ और एफ स्कैन एफ फंक्शन में हमें सबसे पहले फाइल पॉइंटर को पास करना होगा मैंने एफ पी को पास किया देन आफ्टर हमें डबल कोटेशन में परसेंट डी रोल नंबर के लिए और परसेंट एस नेम के लिए नाउ कॉमा सेपरेशन के बाद हमें रोल नंबर को रीड करना है तो हम एड्रेस ऑफ आर एन ओ में रोल नंबर को रीड करेंगे जो कि रोल नंबर आर एन ओ में स्टोर होगा और नेम नेम में हम नेम को स्टोर करेंगे जो कि स्ट्रिंग टाइप का है ना फाइल में से डेटा को रीड करने के बाद हम फाइल को कंस्रोल स्क्रीन में प्रिंट करना चाहते हैं इसके लिए हम प्रिंट फंक्शन को यूज़ करेंगे और मैं यहाँ लिख देता हूँ within double quotation slash n roll number जो कि परसेंट डी टाइप का इसलिए हम पर्सन डी यूज कर लेते हैं कॉमा दे करके वेरिएबल का नाम आर एन ओ इसी तरह हम यहाँ पर प्रिंट एफ नेम को भी प्रिंट कर देते हैं विद इन डबल कोटेशन स्लैसन के बाद नेम जो कि स्ट्रिंग टाइप का है इसलिए हम परसेंट एस यूज कर लेते हैं नाउकॉमा से वेरिएबल का नाम नेम नाव सेमिकोलोन इस तरह से प्रोग्राम कंप्लीट है जहाँ पे हम एफ स्कैन एफ फंक्शन से

तो लेटर सपोज हमने एक कैरेक्टर टाइप का स्ट्रिंग वेरिएबल डिक्लेयर किया डेटा टाइप कैर स्ट्रिंग वेरिएबल का नाम हम एस और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हमने साइज रखा ट्वेंटी अगर हम एफ गेटेस फंक्शन को यूज करें एफ गेटेस फंक्शन विद इन पैरेंथिस हमने एस टी आर स्ट्रिंग को पास किया ना। कॉमा सेपरेशन के बाद हमने साइज ट्वेंटी को पास किया कॉमा सेपरेशन के बाद एफ पी एफ पी यहाँ पर एक फाइल पॉइंटर है तो यहाँ पर एफ पी फाइल पॉइंटर जिस फाइल को पॉइंट कर रहा होगा उसके फर्स्ट ट्वेंटी कैरेक्टर एस टी आर वेरिएबल में स्टोर होंगे और अगर हम एस टी को प्रिंट करें तो हमें आउटपुट में वो ट्वेंटी कैरेक्टर आउटपुट स्क्रीन में मिलेंगे एफ गेट फंक्शन सक्सेसफुल होने पर स्ट्रिंग ऑफ एरे को रिटर्न करता है नहीं तो नल रिटर्न करता है चलिए अब हम एक प्रोग्राम में एग्जाम्पल से एफ गेटेज फंक्शन को इम्प्लीमेंट करके देखते हैं जैसे कि हमें एफ गेट एस फंक्शन को प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट करके देखना है जो कि मल्टीपल कैरेक्टर को रीड करने के काम में आता है तो सबसे पहले मैं इस दोनों वेरिएबल को यहाँ से डिलीट कर देता हूँ और हम यहाँ पर एक एस टी आर वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं जो कि स्ट्रिंग टाइप का होगा और यहाँ पर मैंने एक कैर टाइप का स्ट्रिंग वेरिएबल डिक्लेयर किया एस टी आर और इसका साइज हमने ट्वेंटी रख दिया हम यहाँ पर मैक्सिमम सपोज ट्वेंटी कैरेक्टर को रीड करेंगे और यहाँ पर मैं इन सभी फंक्शन को जो हमने कॉल किया था उसे मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ हम यहाँ पर एफ गेटेस फंक्शन को यूज़ करने जा रहे हैं मैं यहाँ पर एफ गेटेस फंक्शन को कॉल कर लेता हूँ और यहाँ पर हम एस टी आर वेरिएबल को पास करेंगे जिसमें जो फाइल से करेक्टर रीड होगा वो स्टोर होगा हम जितने कैरेक्टर को रीड करना चाहते हैं नंबर ऑफ करेक्टर को यहाँ पास करेंगे सपोज मैं यहाँ पर टेन पास कर रहा हूँ मतलब ये टेन करेक्टर को रीड करेगा ना कॉमा के बाद फाइल पॉइंट है ना सेमी कॉलम यहाँ जो हम फाइल को रीड कर रहे हैं माई फाइल सिक्स डॉट टी एक्स टी और हमने इसे रीड मोड में ओपन किया है एक्चुअली मैंने एक फ़ाइल पहले क्रिएट किया था मैं यहाँ पे आपको शो कर देता हूँ ये माई फाइल फाइव हम यहाँ पर माई फाइल फाइव को रीड करेंगे और इसमें मैंने कॉन्सेप्ट एंड लॉजिक को लिख रखा है नौ मैं यहाँ पर फाइल को रीड करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ माई फाइल फाइव डॉट टी एच टी यहाँ पर माई फाइल फाइव डॉट टी एच टी के टोटल टेन कैरेक्टर रीड होंगे और जो कि एस टी आर वेरिएबल में स्टोर होंगे न यहाँ पर अगर हम टेन कैरेक्टर को काउंट करें तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन मतलब यहाँ पर स्पेस तक ये जो आप देख रहे हैं कॉन्सेप्ट एंड स्पेस यहाँ तक के सारे कैरेक्टर रीड होंगे नौ मैं अब इसे क्लोज कर देता हूँ और यहाँ पर हम अगर फाइल को कंसोल स्क्रीन में प्रिंट करना है तो हम यहाँ पर पुट्स फंक्शन को कॉल कर लेते हैं और यहाँ पर एस वेरिएबल को पास कर देते हैं नाउ सेमी इस तरह से टेन कैरेक्टर रीड होगा और एस वेरिएबल में स्टोर होगा और हम पुट्स फंक्शन कॉल करके एस वेरिएबल के कैरेक्टर को कंसोल स्क्रीन में प्रिंट कर रहे हैं नाउ तो इसे मैं और रन करता हूँ तो देखिए यहाँ पर टेन कैरेक्टर रीड हुए और एस वेरिएबल में स्टोर हुए और वो टेन कैरेक्टर हमें यहाँ पर मिल रहा है अगर हमें टोटल सारे कैरेक्टर को रीड करना है तो टोटल इसमें कितने कैरेक्टर हैं हम अगर यहाँ काउंट कर लें वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन अलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन तो यहाँ पर अप्रोक्स सिक्सटीन कैरेक्टर होंगे मैं यहाँ पर अगर इसे रीड करना चाहता हूँ और और मैं यहाँ पर अगर सिक्सटीन पास कर दूँ आर्गूमेंट में तो अब टोटल सिक्सटीन कैरेक्टर रीड होंगे मैं यहाँ पर बिल टोरन करता हूँ तो देखिए यहाँ पर सारे कैरेक्टर उस फाइल के रीड हुए हैं कॉन्सेप्ट एंड लॉजिक तो इस तरह से हमने देखा कैसे हम एफ गेटेस्ट फंक्शन को यूज़ करेंगे मल्टीपल कैरेक्टर को रीड करने के लिए तो अब मैं इसे क्लोज कर देता हूँ चलिए अब हम लेक्चर को कम्प्लीट करने से पहले एफ ई एफ फंक्शन को समझते हैं FEOF FEOF एक है, जो किसी के आई में, है। में EOF का मतलब होता है, और ये फाइल के एंड को फाइंड करता है मतलब अगर हम किसी फाइल को रीड कर रहे हैं और जहां पर फाइल खत्म होता है अब हमें लूप को अगर टर्मिनेट करना है तो हम एफ एफ फंक्शन का यूज करेंगे जो कि यह इंडिकेट करेगा कि फाइल अब खत्म हो गया अब फाइल में कोई एक्स्ट्रा कैरेक्टर नहीं है जिसे रीड किया जा सके एफ यू एफ फंक्शन आर्ग्यूमेंट में फाइल पॉइंटर को लेता है जिस फाइल के एंड को चेक करना हो मतलब फाइल फाइल पॉइंटर जिस को पॉइंट कर रहा है एफ यू एफ फंक्शन में उसे आर्ग्यूमेंट में पास करना होता है एफ यू एफ फंक्शन को कॉल करने का सेंटेज कुछ इस तरह से होता है हमने यहाँ पर एफ यू एफ फंक्शन को कॉल किया और विद इन पैरें फाइल पॉइंटर को एज ए आर्ग्यूमेंट पास किया नाव सेमिकोलोन फॉर एग्जाम्पल कॉलिंग एफ यू एफ फंक्शन

और F, F, आप अपना जवाब कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं अपना जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें क्योंकि सी लैंग्वेज की सीरीज के अंत में जो सबसे सबसे ज्यादा और और सही आंसर देगा उसे प्राइज भी दिया जाएगा और आज की वीडियो लेक्चर में आपने जो भी सीखा समझा अपने दोस्तों को सिखाएं समझाएं क्योंकि जैसा कहते हैं नॉलेज ग्रो वेन्ट और हो सके तो इस वीडियो लेक्चर को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग प्रोग्रामिंग सीख सके थैंक यू एंड टेक केयर